तितली इब कैसा है अविनाश? अरे बोल, साफ साफ जो भी बात है वो बोल दे। इस समय खाने में तूने ही सब गड़बड़ी की थी। हमारे छोरे के खाने में सच सच बोल। ना बहन जी, आप नाराज ना हो। अब यो आपके बेटे को परोसने से पहले मैंने खाना चखा था, उसमें तो कुछ भी ना था। और देखो मैं ठीक ठाक खड़ी हूँ। तितली, जो भी सच्चाई है साफ साफ बोल, खाने में क्या गड़बड़ी की तुमने? भाई साहब, मरे खाने के बाद कुछ और मसाले वसाले इसने डाले हो, बोल। अरे क्या चुपचाप खड़ी रहेगी कि बोलेगी? बोल। अरे बहुत बहुत कुछ किया होगा ये छोरी ने मारे से बदला लेने के लिए। बोल। तो बेटा बाहर क्यों आ गए? अंदर कमरे में थोड़ा आराम करना था। जाओ वापस जाके आराम कर लो। पिंकी ले जा बेटा। मैं ले जाऊंगी। चलिए आपने अंदर लीजिए। आज के सीन के बारे में बताइए। आज के सीन के बारे में, आज जालिम सिंह मुझे देखने तो वो पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन आज वो मेरा टेस्ट लेने आया है कि मैं खाना बना सकती हूँ कि नहीं। उसकी मम्मी बहुत इंटरेस्टेड है। हमारी बहू ने सारे काम आने चाहिए, तो फिर उन्हें परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बट तितली तो कभी इंटरेस्टेड होती नहीं कि तितली की कोई परीक्षा कैसे ले सकता है। नो, तो तितली ने खाना बनाया, 56 भोग तैयार किए हैं तितली ने उड़ उड़ के। एंड उसमें खूब सारी मिर्ची, हर एक पकवान में खूब सारी मिर्ची, खूब सारी जो सभी एक जैसे टेस्ट करते हैं मिर्ची जैसे। And Jalim Singh is all done with that. तो कुछ ट्विस्ट होने वाला है खाने के टाइम पे? खाने के टाइम पे होने वाला है बिल्कुल। जालिम सिंह उसके बाद भी इतना प्यार में है तितली के साथ, इतना प्यार में है कि वो खाना भी वो खाएगा पूरे ऐसे चाचा। वाह तितली कमाल कर दिया है, क्या खाना बनाई हो तुम। खाना सिर्फ जालिम सिंह के लिए, और किसी के लिए खाना नहीं बनाया तितली। देखो तितली काम बहुत कम करती है, जो करा सिर्फ जालिम सिंह के लिए, अपने प्यार के लिए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।